एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे। अब गाइस, इतनी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इंग्लिश के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए कि ऐसे टॉपिक्स जो एसएससी स्टेनोग्राफर पूछता ही है, प्लस सबसे हाई वेटेज। देखो, पढ़ना सब है, लेकिन क्या प्रायोरिटी में पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। पता चले फॉर एग्जाम्पल जीके सेक्शन में आप साइंस सेक्शन में दिमाग लगा रहे हो, लगा रहे हो, लगा रहे हो, एंड मैथ्स टू मैथ्स उसमें से 5-6 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी रखता है। वो अगर आप लास्ट में करोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आप लोगों का, कि यही कह सकती हूँ मैं ठेठ भाषा में। इसीलिए ये अप्रोच बहुत जरूरी है कि एसएससी स्टेनोग्राफर के जैसे एग्जामिनेशन में, जिसमें कंपटीशन बहुत हाई नहीं होगा, डोंट वरी, क्योंकि स्किल बहुत कम लोगों को आता है, तो उसमें कैसे आप सीबीटी में इतने मार्क्स ला सकते हो सो दैट आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस पे 300+ लाइक्स दिलवाना और लोगों के साथ शेयर करना। मैं देख रही हूँ आप सब वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। यार, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए होती है कि हाँ, हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगे, हमें भी मोटिवेशन मिले। प्लीज आप लोग लाइक जरूर करना। गाइस, स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक माइंड ब्लोइंग इजीएस्ट एंड हाईएस्ट वेटेज के टॉपिक है। ग्रामर में से एक्टिव और पैसिव वॉइस और नरेशन, अगर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपने अगर नीतू मैम की बुक या एसपी बख्शी बुक या एक्स वाई जेड बुक ले रखी है, पहले उसमें से पढ़िए, चैप्टर वाइज इसे सॉल्व करिए, एक्टिव पैसिव और नरेशन को 2019, 2020, 2022, 2023, ये चारों साल में एक्टिव पैसिव जो आए हैं कम से कम 15-16 क्वेश्चन पर शिफ्ट आए हैं, पर शिफ्ट आए हैं। इतने सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे 19 से 23 तक, उनको आपको सॉल्व करना है बकायदा। फिर सीजीएल, सीएचएसएल, इनके सॉल्व करिए, आपका आराम से हो जाएगा। अब आपको ये पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? तो आप टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट लीजिए। टेस्ट बुक पे अब देखो कोड लगा लेना एपीएनआई अपनी, जैसे अपनी परीक्षा का हमने अपनी लिया है, ठीक है? तो इसमें ना आप वैलिडिटी एक्सटेंड करना चाहो, आपको कुछ भी लेना हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इस पर मिल जाएगा और ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा टेस्ट बुक पे, ठीक है? देख लेना, ये टॉपिक मोस्ट वांटेड टॉपिक है, नॉट इवन इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वांटेड। ये अगर स्किप कर दिया तो आपके किसी भी हालत में 80+ भी नहीं आ पाएंगे मार्क्स, ठीक है? तो इतना ये समझ लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हाईली 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके बाद वर्ब और एडवांस वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वांटेड टॉपिक्स, जो कम से कम आपका 5 से 7 नंबर का वेटेज ग्रामर सेक्शन में, ये सोचो खुद का रखते हैं दोनों मिला के, ये इतने मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है नाउन। नाउन में से भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट्स दे देंगे, फर्नीचर है फर्नीचर्स दे देंगे, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको लगता है कि ये सही है बट वहां पे सही नहीं होती है, ठीक है? जैसे कजिन ब्रदर है, कजिन होता है, ये आप समझ जाओगे अगर आपने पढ़ रखा है तो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको इनमें भी क्या करना है, पहले चैप्टर को रीड करिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाइए, फिर पिनाकल या किरण उठाइए और फिर ये करिए, सॉल्व करिए अच्छे से, ठीक है? इसके बाद है आपका मोस्ट वांटेड अगेन प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 7th और 8th नंबर के हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउन प्रोनाउन को साथ पढ़िएगा, आपको काफी इजी रहेगा, ठीक है? प्रीपोजिशन और कंजक्शन ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे पता है कि कुछ ड्रामे भी करेंगे, अगर ये कर ही लेंगे तो फिर बचा क्या। ऐसा है जिसने पूरी पढ़ाई कर रखी होगी ना, उसको पता चल जाएगा कि जो मैम बता रही है उसके अलावा बहुत टॉपिक्स है जो स्किप करे हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बताए जा रहे हैं, ठीक है? और ये सब अगेन आप इससे कर सकते हो, और लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब को भी साथ पढ़ना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्टिकल्स। आजकल आर्टिकल्स में से इतने अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे द एंड और अ आना था कि नहीं आना था। ये टॉपिक्स अगेन वही चैप्टर से करिए, मिक्स क्वेश्चन लगाइए, लगातार लगाइए, पीवाईक्यू खा जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का है। और इसी के लिए हमने प्रैक्टिस मेंटोरशिप जो है वो लॉन्च करी है, ये स्टार्ट हो रही है 26 जुलाई से। जिस दिन आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी दिन से ये आपका शुरू हो जाएगा। फीस मात्र वन टाइम पेमेंट है, एक बार करनी है, एग्जाम डेट तक 500 रुपए। ये सीबीटी के लिए है, 31 जुलाई तक है,
नहीं तो उसके बाद 600 फीस हो जाएगी और 10 अगस्त के बाद एडमिशंस है ही नहीं, ठीक है। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, चाहिए कि फोकस चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, एक रास्ता चाहिए कि हाँ सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, ये आप ले लो, क्योंकि इसी से, यही पिछले साल स्टूडेंट्स ने लिया था इसी टाइम पे, और अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 से भी ऊपर स्टूडेंट का सिलेक्शन इसी बैच से हुआ था। तो आप ले सकते हो। इसके लिए आप जो है अपनी परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, जिसका लिंक आपको कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। या अपनी परीक्षा की कम्युनिटी टैब देख लेना, वहां पे भी मैंने क्यूआर कोड स्कैन कर लेना, वहां से डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मुझे मैसेज करने का। और आगे सुनो, अब ये सब करने के बाद आपका सबसे पहले ये होगा कि जब आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लोगे, तो एटलीस्ट आपके 100 में से 40+ तो इन्हीं टॉपिक्स में से आने हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से आने हैं। आप स्कोर करना शुरू कर दोगे, वो कैब हो गया, PQRS हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, ये भी अप्रोक्सीमेटली वो कैब जो है वो 20 मार्क्स की आएगी। इसमें सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम्स, फ्रेजेस रहेंगे, और 35 से 40 मार्क्स की आपकी PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज आएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये टॉपिक पहले आप नीतू मैम की बुक से या SB बख्शी बुक से रीड करेंगे, ठीक है। रीड करने के बाद आप चैप्टर वाइज इनके क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर आप मिक्स लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि करते ही आपको मिक्स लगाने हैं, नहीं, दिक्कत आएगी। कौन कौन सी बुक यूज कर सकते हो, पिनाकल कर सकते हो, किरण कर सकते हो, बेस्ट बुक है। उसके बाद आपको PYQ करने हैं टेस्ट बुक से, और पेशेंस रखना है, क्योंकि ये एक दिन का गेम नहीं है, काफी टाइम लगेगा। और अगर आपकी गलती हो रही है, आप उसे ठीक कैसे कर सकते हो, पहले एनालाइज करोगे वीक पॉइंट्स को, रीड करना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। पहले रीड करोगे, रिवाइज करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे उसी सेम चीज की। तो इससे आपका 80 डेज बचे हैं, इसमें आराम से आपका हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि आपसे खुद नहीं हो रहा है, तो आप प्रैक्टिस मेंटोरशिप में एनरोल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो 300+ लाइक जरूर करवाना, शेयर करना, सब कुछ करना। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर।